स्वागत है दोस्तों आप सभी को टेकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi Note 5 Pro या फिर किसी भी Redmi के फ़ोन पर आप लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन सेटिंग कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ में दोस्तों आप सोच रहे होंगे कैसे, तो यहाँ में दोस्तों आपको क्या सेटिंग करने को मिलेगा, ठीक है, वो भी लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन पे। तो दोस्तों यदि आपको ऐसा कोई सेटिंग करना है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन सेटिंग, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि आपको जब भी नोटिफिकेशन आते हैं, ठीक है, तो यहाँ में दोस्तों आपका जो नोटिफिकेशन होते हैं आपका लॉक स्क्रीन पे भी वो शो करते हैं, लेकिन दोस्तों आप उसको हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप उसको हाइड करोगे तो लॉक स्क्रीन पे आपका नोटिफिकेशन आपको कभी भी शो नहीं करेगा, सिर्फ आप जब लॉक खोलोगे तो ही दोस्तों आप ही वो नोटिफिकेशन को रिसीव कर पाओगे। यदि आप लॉक स्क्रीन पे नोटिफिकेशन अलाउ करते हैं तो फिर दोस्तों हर कोई उसका नोटिफिकेशन देख सकते, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको ऐसा कोई सेटिंग करना है लॉक स्क्रीन के रिगार्डिंग पे, तो आप इसी वीडियो को जो है शुरू से लेके अंत तक यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। और यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आइए वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली सेटिंग्स ओपन कर लेना है, ठीक है। सेटिंग्स को ओपन कर लेना है, उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाइए, नीचे आपको जाना है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में। तो उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं शो ऑन लॉक स्क्रीन, ठीक है, नोटिफिकेशन सेट। तो दोस्तों यदि आप जो है यहाँ पर शो ऑन लॉक स्क्रीन का नोटिफिकेशन सेट आप यहाँ पर इनेबल कर देते हैं, तो दोस्तों आप जब भी अपना यहाँ पे फ़ोन को लॉक रखते हैं तो भी दोस्तों आपको नोटिफिकेशंस स्क्रीन पर शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों यदि आप ये चाहते हैं कि आपको जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपके लॉक स्क्रीन पे भी शो करे, तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पे नहीं चाहते कि वो नोटिफिकेशन जो है आपको लॉक स्क्रीन पर ना शो करे, तो आपको इसे ऑफ़ कर देना है, ठीक है। ऑफ़ करने के बाद दोस्तों आपको लॉक ओपन करके ही इसको यहाँ पे देखना होगा। उसके बाद दोस्तों आप लॉक स्क्रीन पे भी जाके आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, यदि यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन का सेटिंग है तो भी दोस्तों आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिलहाल तो यहाँ पे ऐसा कोई सेटिंग तो नहीं मुझे अभी तक मिला है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, ठीक है, लॉक स्क्रीन के रिगार्डिंग पे। तो यहाँ पे दोस्तों ऑन द लॉक स्क्रीन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और सेटिंग यहाँ पे शो कर देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑन द लॉक स्क्रीन, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिएगा ऑन द लॉक स्क्रीन शो ऑल नोटिफिकेशन एंड योर कंटेंट्स। तो यहाँ में दोस्तों आपको तीन सेटिफिकेशन नोटिफिकेशन का सेटिंग यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, शो ऑल नोटिफिकेशन एंड देयर कंटेंट्स। तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबके सब आपके लॉक स्क्रीन पर भी शो करे और उसका कॉन्टेंट भी आपके लॉक स्क्रीन पर शो करे, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप ये चाहते हैं कि आप डायरेक्टली पूरा कंटेंट्स को ही देख ले यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे, तो आप ये सेटिंग कर सकते हैं। या फिर आप यदि कोई भी नोटिफिकेशन आपके लॉक स्क्रीन पर चाहिए नहीं तो आप डोंट शो नोटिफिकेशन एट ऑल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक और सेटिंग है शो ऑल नोटिफिकेशन बट हाइड कंटेंट्स। तो यहाँ में दोस्तों क्या होता है कि यदि मान लीजिए आपको व्हाट्सएप से एक नोटिफिकेशन आया, मैसेज आ गया, ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ में क्या होता है कि आपको सिर्फ यहाँ पे पता लग जाएगा कि WhatsApp से नोटिफिकेशन आया है, उसका आइकॉन शो करेगा, लेकिन उसने क्या आपको मैसेज भेजा है वो आपको लॉक स्क्रीन पर शो नहीं करेगा, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया गया है, तो आप इसको यहाँ पे ओपन करके रख सकते हैं, ठीक है। ये ओपन आप कर लेगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता लग जाएगा किस एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आया है, लेकिन दोस्तों आप उसको देख नहीं पाओगे कि क्या नोटिफिकेशन उसके अंदर पे है, क्योंकि दोस्तों उसका कंटेंट जो है हाइड ही रहेगा। तो आप लॉक यहाँ पे दोस्तों ओपन करने के बाद उसको आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों यही बहुत सेटिंग आपको लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यदि इनमें से कोई भी सेटिंग को अच्छा लगे तो आप सेटिंग कर लीजिएगा। तो मुझे मेरे दोस्तों आपको जो है वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।